अब देख बदलाव होगा क्यों नहीं होगा है? हाँ बदलाव होगा। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दा क्या, बेरोजगारी मुद्दा और क्या मुद्दा है? जेल जाने से उसका नुकसान हुआ भाजपा का। तिवारी कभी नहीं देखने आता मनोज तिवारी, हमने देखा ही नहीं, उसकी शकल ही नहीं देखी। बेसिकली मैं मीडिया से हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो बेरोजगारी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बदलाव की बदलाव और बेरोजगारी और राहुल जी के साथ। फिर उनके कहने से क्या होता है, हम क्या मूर्ख थोड़े ना, हमें भी दिख रहा है कि क्या चल रहा है। पता ये बात थी कि विकास जो कर रखा दिल्ली में, अब तक केजरीवाल ने कर रखा, वरना किसी भी क्षेत्र में चला जाओ। का जो कर रहा है कि नहीं, मैं लाभ के लिए तो यही कर रहा है, हमारे लिए तो बिचारे इन्होंने करा, सबका गरीबों का सबका भला करा इन्होंने। कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, किस बदलाव बदलाव ये आइडिया तो नहीं लगा सकते, तो महंगाई चल रही है, देखो टक्कर है पूरी, क्या होता है, महंगाई है, महंगाई तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं बुराड़ी में हूं, और जैसा कि दिल्ली में 7 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 25 तारीख है, मतदान चल रहा है, बुराड़ी में पहुंचा हूं, और यहां पर मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और उनके अपोजिट में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यानी कि कांग्रेस से कन्हैया कुमार हैं। तो आइए, यहाँ पर जो लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं या डाल करके आ रहे हैं वोट, ये बगल में स्कूल है, आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी हुई है, जानते हैं यहाँ पर किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के लोग वोटिंग कर रहे हैं और क्या उनका कहना है। वोट डाल के आ रहे हैं? हाँ जी। क्या मुद्दे रहे आपके वोट डालने के? एक्चुअली भैया हमारा तो यही है, बेरोजगारी जो है, ठीक है, और एक्चुअली क्या बताएं, बहुत परेशान है, मुद्दे बहुत सारे हैं, इतने मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं। स्पेशली तो ये बेरोजगारी है जी, जो ये चल रहा है कि काम धंधे नहीं है लोगों के पास, सड़कों पे खाली घूम रहे हैं, तो इसमें आपने बेरोजगारी है इसलिए वोट दिया? हाँ जी। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि जुमलेबाज बहुत, जो भी प्रेजेंट सरकार है उन्होंने इतने जुमले दिए ना कि मतलब क्या ही बोले। लेकिन आप कैंडिडेट एक हैं कांग्रेस के, जिनको टुकड़े टुकड़े गएंगे, मनोज तिवारी ने बताया। अरे उनके कहने से क्या होता है, हम क्या मूर्ख थोड़े ना, हमें भी दिख रहा है कि क्या चल रहा है, किसी एक आदमी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे, अब उनको हम कितना कह लें, क्योंकि उन्होंने कौन सा सच बोला, वो भी इतनी बातें बोलते हैं, क्या वो सारी बातें सच बोलते हैं? तो मैं नहीं मानता कि इससे उनके बोलने से कोई फर्क पड़ता है कि कोई टुकड़े टुकड़े कहेंगे या क्या है। मुद्दा मतलब मुद्दे पे वोट हो रहा है ऑब्वियसली। लोगों की जो भीड़ है वो क्या कह रही है इसका, लग रहा है इस बार तो भैया हमें क्या बोलते हैं, जो गठबंधन जो है अपना, कांग्रेस की सरकार बनती है, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कांग्रेस बनेगी, बिकॉज सब ने देख लिया कि बीजेपी सरकार ने कितना काम किया और वो क्या बोलती है और क्या करती है, तो सबको पता है। भैया आप लोगों ने वोट कर दिया? हाँ जी कर दिया, बिल्कुल। हाँ जी, मुद्दा क्या रहा आपका इस बार? मुद्दा बस वही काम का मुद्दा रहेगा जी, हमारे पास तो काम के लिए ही हम वोट दे रहे हैं सबको, काम हमारे केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा कर रखा दिल्ली में, और कन्हैया जी इस बार उनकी जगह कन्हैया जी हैं, कन्हैया जी को जाएगा जी हमारा वोट, तो इस बार तो बीजेपी का तो आपको पता ही है हालात कैसे कर रखे हैं बीजेपी ने। बीजेपी कह रहे हैं ना कि विकास के मुद्दे पे लोग वोट कर रहे हैं? हाँ विकास के मुद्दे पे कर रहे हैं, तो विकास तो केजरीवाल नहीं करा सर, आपको भी पता है, पूरी मीडिया को पता है ये बात थी कि विकास जो कर रखा दिल्ली में, अब तक केजरीवाल ने कर रखा, वरना किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। का जो आरोप लगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा? ना ना, उसमें वो तो फेक है, आपको भी पता है, तो ये तो आपको भी पता है कि वो तो केजरीवाल को फंसाया जा रहा है बेचारे को, लेकिन जीतेगा केजरीवाल ही, कन्हैया ही आएगा यहाँ पे। मैडम से जीता होगा, देखो मैंने ऊपर वाला जीता होगा, जिसे भी जीता होगा वो ऊपर वाला करेगा। नहीं आपने वोट किया है तो हमने कर अभी ना, अभी तो कंधे जा रहा है, करने जा रही हाँ, अभी तो पता नहीं ऊपर वाला किसे जिता दे, तो आप किसको लाइक करते हैं? मन में कर, देखो किसको आवे, मन में तो कुछ होगा कि ये महिलाओं के लिए कोई कर रहा है कि नहीं, महिलाओं के लिए तो यही कर रहा है, हमारे लिए तो बेचारे इन्होंने करा, सबका गरीबों का सबका भला करा इन्होंने, केजरीवाल ने, झाड़ू वाले ने सब में ज्यादा मदद करी, बिजली सब फ्री कर दिया था, बिजली फ्री किया महिलाओं के लिए, बस हाँ सब बस भी फ्री कर दी थी, आप तक भी फ्री रही, इन्होंने बहुत फायदा करा हर किसी के लिए करा। इस बार तो केजरीवाल ही है जी, इस बार तो केजरीवाल ही है जी, बस वही आएगा जी इस बार, वो हो रही हाँ जी कर दिया। क्या मुद्दा रहे आपके? यही है सर, नौकरी हो, देश आगे बढ़े, बस नौकरी अभी नहीं है। नहीं सर, तो देश आगे बढ़ भी नहीं रहा, उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, वही है बस।
लग रहा है कि मतलब बदलाव हो जाएगा? लग तो रहा है सर, बिल्कुल लग रहा है। केजरीवाल जी के जेल जाने से कुछ फायदा हुआ इसका केजरीवाल जी का? फायदा तो नहीं पता सर लेकिन इस बार वोट तो दिया है सर, वोट तो फायदा तो पड़ेगा ही। मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार में से कौन लगता है अच्छा? मन कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार किस बात पे लगता है आपको? सर बीजेपी के कोई काम सही से नहीं है बिल्कुल उस हिसाब से। अरे आप खुल के नहीं बोल रहे, एकदम छुप छुप के बोल रहे कैमरे में नहीं बोल रहे। बेरोजगारी के, बेरोजगारी है या खत्म हो गई? जब मैं जवान था तब बेरोजगारी थी, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ तब बेरोजगारी है। बदलाव चाह रहे हैं या फिर वैसे ही रहेगी सरकार? बदलाव, बदलाव क्योंकि 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा इस बार? नहीं, मैं अपने समझ बता रहा हूँ। अरे केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं वैसे? वो अच्छा करते हैं, वो अच्छा करते हैं। मैम क्या कहिएगा इस बार वोट किस मुद्दे पे किया आप लोगों ने? अभी कहाँ कर रहे हैं भैया, हमारा तो सेंटर ही नहीं मिल रहा अभी। सेंटर नहीं, बता दीजिए। सेंटर देखने जा रहे हैं। कौन सरकार बढ़िया काम कर रही है? बीजेपी, 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 बीजेपी कर रही है बदलाव की तरफ, बदलाव और बेरोजगारी और राहुल जी के साथ। बेरोजगारी है? नहीं है, बहुत है। बहुत है भैया, मेरे हस्बैंड 2 साल से बेरोजगारी घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे नहीं, उनकी जो नीतियाँ है वो बहुत अच्छी है जो बता रहे हैं अभी, और मतलब जो 10 साल हमने देख लिया सिर्फ जुमलेबाजी, लेकिन अब हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव लग रहा है, हो जाएगा। थैंक यू। क्या कहेंगे भैया, आप वोट करने जा रहे हैं या जी? अभी करने जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? हम तो हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, वोट करने जाने हैं अभी, कारण ही बेसिकली मैं मीडिया से हूँ, टाइप्स ऑफ मीडिया से। अच्छा, क्या आपको क्या मुद्दे लगते हैं कि देश में चलने चाहिए? देश में देखो बेरोजगारी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई भी है, बहुत ज़्यादा है, हम लोग को फील नहीं होती है क्योंकि हम तो अपने आप में सक्षम हैं, लेकिन बट अगर दूसरों को देखें तो लोग परेशान हैं महंगाई से। अच्छा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि लेकिन बदलाव लग रहा है देश में होगा या ऐसे ही रहेगा? अब देखो बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ बदलाव होगा, बदलाव होगा। हाँ, हम कभी चेहरा भी नहीं देखते हैं, नया आएगा तो उसका चेहरा भी देखने को मिलेगा और वो काम भी करेगा। जो बैठा हुआ है, जो कहाँ कलकत्ता की सीट पे बैठा हुआ है, कभी देखने भी नहीं आता तिवारी, कभी नहीं देखने आता मनोज तिवारी, हमने देखा ही नहीं, उसकी शकल ही नहीं देखी मनोज तिवारी की। अब नया लड़का आएगा तो वो देखेगा अपने जैसे बच्चों को, जो 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए कुछ सोचेगा, तो वो तो कुछ भी नहीं देखता। तो बदलाव क्यों नहीं, बदलाव होगा। जेल जाने से कुछ नुकसान फर्क नहीं पड़ा और अच्छा हुआ, और पब्लिक में तहलका मचा कि इससे इससे तो और वो आगे बढ़ा, मतलब आगे को हुई उसकी नुकसान हुआ भाजपा का नुकसान हुआ उसके जाने से, जेल जाने से उसका नुकसान हुआ भाजपा का, उससे और फर्क पड़ा कि सब जनता केजरीवाल के साथ है, कि इसको सबको धोखाधड़ी में कभी किसी में फंसा रहे, कभी किसी में फंसा रहे। बदलाव का माहौल दिख रहा है? बिल्कुल बदलाव होगा और कन्हैया कुमार आएगा इस बार। अपने मोदी जी को जिताना है, वो तो पिछली बार भी यहाँ पे सांसद मोदी जी के ही थे। बिल्कुल मोदी जी के, और मोदी जी के अलावा मेरे को लगता भी नहीं कि कोई है उनके टक्कर में फिलहाल। यहाँ पे महिला भी खड़ी हैं, आपसे जान लेते हैं दिल्ली में क्या लग रहा है? हमें मोदी जी को ही जिताना है, मोदी जी से बेहतर अभी कोई करा कोई काम ही नहीं किया इस चक्कर में, हमें मोदी जी को ही। केजरीवाल जी के जो काम है, महिलाओं को बस में फ्री और बिजली, फिलहाल मोदी जी के टक्कर में तो कोई भी नहीं है ना। नहीं, केजरीवाल जी ने कहा ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, काम किया है, बट अभी फिलहाल केजरीवाल जी जो हमारे सीएम की कुर्सी पर ना वो सही है, और मोदी जी हमारे पीएम सही है। भैया आप देखेंगे मुद्दे तो क्या होगा, वोट देना। जो अभी सरकार है सेंटर की मोदी जी की, वो कैसी काम कर रही है? ठीक काम कर रही है। बदलाव नहीं चाहिए, वो चाहिए आप? चाहिए जी, चाहिए बदलाव होगा। हाँ जी, कन्हैया कुमार जैसे, अभी जैसे कन्हैया कुमार जी खड़े हुए पर्व मालिक है, अब देखो हम तो वोट देना है। आप क्या कहेंगे? हमने क्या कहना है इससे, मतलब क्या मुद्दे हैं जिसपे लगता है कि सरकार और अच्छा काम कर सकती है? तो कौन सी सरकार करेगी अच्छा काम? दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी कैसी है, केजरीवाल जी की? ठीक है। कांग्रेस? कांग्रेस भी ठीक ही है। बीजेपी? हाँ बीजेपी जो राज कर रही है तो वो और ठीक है। ये आइडिया तो नहीं लगा सकते। महंगाई चल रही है, देखो टक्कर है पूरी, क्या होता है? महंगाई है, महंगाई तो है। और क्या है? परेशानियां तो काफ़ी हैं। महिलाओं को लेकर के क्या दिक्कत है?
अभी क्या ही बताएं, बताएं। दिल्ली में जो केजरीवाल जी की सरकार है, महिलाओं के लिए काम जो बस में फ्री कर दिया है सारी। हाँ, वो तो ठीक है, पानी बिजली भी ठीक ही है, लेकिन बस और तो क्या क्या है। बीजेपी के अंदर क्या लगता है, क्या कमियां है? महंगाई महंगाई है, महंगाई है, यानी कि इस बार बदलाव भी हो सकता है। हो सकता है बदलाव। आपको भी लगता है बदलाव? हाँ, बदलाव हो सकता है। वोटिंग कर दी, मतदान कर दिया? हाँ जी। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दा क्या, बेरोजगारी मुद्दा है और क्या मुद्दा है। बेरोजगारी है? हाँ जी। तो सरकार बदलेगी मतलब? देखो, वोट तो कर दिया सरकार। कन्हैया कुमार को ये बोला जाता है कि जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है, बीजेपी वाले बोलते हैं। अब ये तो कुछ भी कोई भी बोले उससे क्या लेना देना, और विरोधी पार्टी यही बोलती है। कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, ठीक है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।